100 रुपये। कृष्ण चंदर। मैंने 100 रुपये का काम किया था, मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए थे, इसलिए मैंने सेठ से बात की। सेठ ने कहा 16 तारीख को आना। मैं 16 तारीख को गया, सेठ वहां नहीं था। उसका बुढ़ा मैनेजर, जिसकी चांद साफ थी और उसका एक दांत बाहर निकला हुआ था और जो अपने असिस्टेंट को किसी गलती पर डांट रहा था, मुझसे बड़ी शफकत के साथ कहने लगा, तुमने 100 रुपये का काम किया है, तुमको बराबर 100 रुपये मिलेंगे, मगर सेठ यहां पर नहीं है, कल आना। मैंने पूछा, अगर सेठ कल भी नहीं हुआ तो? तो मैनेजर बोला, मैं इंतजाम कर रखूंगा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। मैंने दफ्तर से बाहर निकलकर 2 रुपये का पूना पत्ता, सकीली मसाला और हरी पत्ती वाला पान खाया। 2 पैसे में देसी काला कांडी और ठंडी वाला पान भी खा सकता था और मुलट्ठी लाल मसाला वाला पान भी, बनारसी छोटा पत्ता, गीली डली और इलायची वाला पान भी, या मोहिनी तंबाकू वाला, मगर मैंने सिर्फ पूना पत्ता, सकीली मसाला और हरी पत्ती वाला ही खाया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरी जेब में सिर्फ 1.5-2 आने थे और ये पान जो मैंने खाया काफी मोटा है और काफी देर तक मुंह में रहता है। फिर मैंने 1 आने का ट्रॉम का टिकट लिया और ट्रॉम में बैठकर मैंने जोर से सेठ की बिल्डिंग की तरफ थूक दिया। दूसरे दिन फिर सेठ वहां नहीं था। उसके मैनेजर ने कहा, सेठ आज भी यहां नहीं है और फिर तुम्हारे हिसाब में कुछ गलती भी है। मुझे गुस्सा आया, मैं हिसाब कर चुका था, मैनेजर उसे 10 बार चेक कर चुका था, फिर भी कहीं गलती निकल आती है, मगर मैं कुछ कह न सका क्योंकि मैनेजर का लहजा बहुत नरम था और फिर इसका हर फिकरा रेशम में लिपटा हुआ था, इसलिए मैंने भी नरमी से कहा, मेरा हिसाब तो बहुत साफ है। इतना कहकर मैंने अपनी खाकी पतलून की जेब में से एक मैला पुर्जा निकालकर मैनेजर के साथ 11वें दफा तफसीलात चेक करने बैठ गया। इतने पैसे रेगमाल फेरने के, इतने पैसे रोगन के, इतने मजदूरी के। रेगमाल और रोगन की रसीदें मेरे पास थी, मजदूरी पहले से तय हो चुकी थी, सेठ का फर्नीचर मेरी मेहनत से जगमग जगमग कर रहा था। मैनेजर ने कहा, हाँ हिसाब तो ठीक है, अच्छा कल आना। हाँ कल जरूर, मैनेजर ने चांद को सहलाते हुए कहा। बाहर आकर मैंने 2 पैसे का पान भी नहीं खाया, 1 आने का ट्राम का टिकट भी नहीं लिया और फिरोज शाह महिद रोड से साइन तक पैदल गया। मगर दूसरे दिन मैं फिर सेठ के दफ्तर गया। आज दफ्तर में सेठ मौजूद नहीं था और मैनेजर भी गायब था। मैनेजर का असिस्टेंट चिंदियाई हुई आंखों से एक सिंगल चाय अपने सामने रखे कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा बहुत जर्द था, माथे के करीब सफेद, रुखसारों के करीब पीला और ठोड़ी के करीब मटमैला सा था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उसके चेहरे की हड्डियों पर खाल के बजाय मैले मैले पीले पीले कागज तराश के मूंड दिए हों। मैं इस चेहरे को गौर से देखने लगा। असिस्टेंट ने प्याली से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मैंने पूछा, सेठ कहाँ है? वो बोला, सेठ अपने दूसरे दफ्तर गया हुआ है। अच्छा, और मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सेठ के तीसरे दफ्तर गया है। तो मुझे यहां चौथी मंजिल पर किस लिए बुलाया है? मैं जरा गुस्से में तेज होते हुए बोला। असिस्टेंट ने चाय का आखिरी घूंट भी निगल लिया, आहिस्ता से बोला, तुम यहां बैठ जाओ, मैनेजर अभी आता होगा, बात कर लेना। मैं कुर्सी पर 10:30 बजे से लेकर 2:45 बजे तक बैठा रहा। पहले मैंने सोचा कि किसी शीशे का टुकड़ा लेकर सारे रोगन को उतार दूं जो मैंने इतनी मेहनत से इस फर्नीचर पर चढ़ाया था। फिर मैंने सोचा कि अपने दोनों हाथों से असिस्टेंट के नकली चेहरे से पीले पीले कागज के टुकड़ों को उतारता जाऊं, हत्ता कि अंदर से हड्डी नंगी हो जाए। फिर मैंने सोचा, मैनेजर को जान से मार देना ठीक होगा। बहुत देर तक सेठ के लिए सजा सोचता रहा। आखिर ख्याल आया कि सारे जिस्म पर बी नंबर की मोटी रेगमाल फिरा दूं तो इसकी सारी खाल उधड़कर नंगी हो जाएगी। तभी मैनेजर आ गया, मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया है, मगर चेक मिला है 100 रुपये का, पर अब तो 1:45 बज चुके हैं, 2 बजे बैंक बंद होता है और बैंक यहां से 2 मील दूर है, कल छुट्टी है और परसों इतवार। मैंने मायूसी से कहा, हां। मैनेजर से मुसर्रत से हाथ मिलाते हुए मैंने बेहद रुखाई से कहा, चेक मुझे दे दो। 5 मिनट और चेक लेने में गुजर गए क्योंकि चेक पर मेरा नाम गलत लिखा था।
मोहम्मद शफी के बजाय मोहम्मद रफी लिखा हुआ था। मैनेजर ने कहा, बड़ी गलती हो गई, मोहम्मद शफीक लिखते लिखते मोहम्मद रफीक लिखा गया, मगर कोई हर्ज नहीं, अब तुम सोमवार को आकर नया चेक ले लेना। मैंने कहा, मगर ये बियरर चेक है, नाम की गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे नाम की रसीद ले लो और चेक मुझे दे दो, सोमवार को मैं यहां आ जाऊंगा और कहीं और धंधा करूंगा। अच्छा, ले जाओ, मैनेजर ने रुकते रुकते कहा। चेक लेकर बाहर आया तो 2:45 थे। किसी सूरत पैदल चलकर बैंक नहीं पहुंचा जा सकता था। 100 रुपए का चेक मेरे हाथ में था, मगर अभी कागज का पुर्जा था, उसे रुपयों में तब्दील करने के लिए बैंक तक पहुंचना जरूरी था। 2 बजे से पहले सिर्फ एक ही सूरत हो सकती थी। मैंने फैसला कर लिया और कहा, टैक्सी। पीली छत और स्याह जिस्म वाली एक टैक्सी जूम से मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने अंदर बैठते हुए कहा, कालबा देवी रोड के नाके पर चलो और जरा तेज चलो। जब कालबा देवी नाके पर पहुंचा तो 2:02 थे, मगर बैंक कालबा देवी रोड पर नहीं था। गो चेक पर यह लिखा था, मगर बैंक कालबा देवी रोड के नाके पर नजर नहीं आया। 2-1 दुकानदारों से पूछा, किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी। कोरिया में जंग तेज थी, भाव तेज जा रहे थे, किसको वार्निश करने वाले के रुपयों की फिक्र होगी। हार कर मैं एक पंजाबी हारमोनियम बनाने वाले की दुकान में घुस गया। आइए आइए, क्या चाहिए आपको? सरदार ने अपनी आरी को छोड़कर, जिसे वो लकड़ी काट रहा था, मुझसे मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा, सरदार, मुझे बाजा नहीं चाहिए, मर्चेंटाइल बैंक का पता चाहिए। चेक पर तो लिखा है कालबा देवी रोड, यहां कहीं नहीं मिलता। सरदार ने मुस्कुरा कर कहा, ओ बादशाह हो, वो बैंक साथ वाली गली में है, इधर से घूमकर क्रिस्टा बाजार से इस पुराने चांदी वाले मंदिर के पास। मैंने सरदार जी का शुक्रिया भी अदा नहीं किया और भागा वापस टैक्सी के पास। जब बैंक में पहुंचा तो 2:04 हो रहे थे। उसूलन मेरा चेक क्लर्क को नहीं लेना चाहिए था, मगर मालूम होता है कि क्लर्क चेक पढ़ने के अलावा चेहरा पढ़ना भी जानता था। उसने खामोशी से चेक मुझसे ले लिया और फिर उल्टा कर देखा और मुझसे कहने लगा, इस पर दस्तखत करो। मेरा नाम शफी था, लेकिन मैंने मोहम्मद रफी लिखा। ये मोहम्मद रफी कौन था, कहां से आया, कब पैदा हुआ, सूरत कैसी थी, इसके मां बाप कौन थे, कौन जानता है। कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो चेक पर लिखी जाती हैं और चेक पर ही काट दी जाती हैं। मैं टैक्सी वाले का चुपता करने लगा। 2 रुपए 2 आने टैक्सी छोटी थी, इसलिए मीटर बढ़ा नहीं। टैक्सी बड़ी होती तो 5-7 रुपए खुल जाते। मैंने खुशी से इत्मीनान का सांस लिया। इतने में किसी ने आकर मेरे शाने पर जोर से हाथ मारा और कहा, कहो मेरे यार, टैक्सी में घूम रहे हो आज तो? मैंने घूम कर देखा, मेरा दोस्त इसहाक था। इसहाक बड़े खुले दिल का आदमी था। वो खुद तो अब्दुल रहमान स्ट्रीट के अंदर एक खोजे के मकान में एक तंग से कमरे में रहता है और वहीं से धंधा करता है, जो कि मैं करता हूं, यानी वार्निश का, और पुराने फर्नीचर को फिर से नया कर देने का। लेकिन इसकी महबूबा मोहम्मद अली रोड और क्राफर्ड मार्केट के नाके पर एक अच्छे से होटल में रहती है। मैंने देखा है, बड़ी खूबसूरत औरत है, बड़े बड़े सेठों के पास जाती है। ये इसहाक इससे पहले उसके पास ड्राइवर था। इसहाक को यह काम पसंद नहीं आया और वो उससे अलग हो गया। वो औरत उसको बहुत पसंद करती है और ये भी उसको चाहता है, मगर वो इसको अपने धरे पर लाना चाहती है और ये उसको अपने तरीके से रखना चाहता है। दोनों में हमेशा लड़ाई होती है। फिर ये उससे 10-12 रोज नहीं मिलता तो वो उससे मिलने आ जाती है। बस यूं ही ये चक्कर चलता रहता है। कभी कभी इसहाक जब कोई मोटी रकम कमा लेता है तो उसे जाकर दे आता है और उसे एक लेक्चर भी झाड़ आता है। मगर जिस औरत के पास अच्छा होटल होगा, अच्छी जवानी, सेहत और खूबसूरती और सोने चांदी वाले सेठ होंगे, वो वार्निश करने वाले इसहाक की बातें क्यों सुनने लगेगी? सोचने की बात है ना यारों। मैंने इसहाक से पूछा, मुझे भूख लगी है, तुम कुछ खाओगे? वो बोला, हां, भूखा तो मैं भी हूं, चलो फिरोजे कबाबिये की दुकान पर। फिरोजे कबाबिये की दुकान से फारिग होकर इसहाक ने मुझसे 10 रुपए उधार लिए और अपने रास्ते चला गया। मुझे इसहाक बहुत पसंद है। इसके पास पैसे हों तो ना नहीं करेगा, सबको खिलाएगा पिलाएगा, और जब पैसे नहीं होंगे तो मेरे सिवा किसी से कर्ज नहीं मांगेगा। भूखा मर जाएगा मगर किसी से उधार नहीं लेगा। ऐसा दोस्त जो दुनिया में मेरे सिवा किसी से उधार न ले, कहां मिलता है? मुझे इसहाक की दोस्ती पर फख्र है।
मैं जब भी इसहाक से मिलता हूं एक अजीब सी खुशी, लापरवाही, बच्चों की सी मुसर्रत महसूस करता हूं। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे दिल में कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, जैसे सारी दुनिया खिलौनों से भरी पड़ी है और इसके सारे बाजार मेरे लिए सजे पड़े हैं। बाज आदमियों में कुछ ऐसी ही ताकत होती है, बाज आदमियों में कुछ ऐसी ही बात होती है। इस वक्त इसहाक से मिलकर मेरा जी हल्का फुल्का हो गया। मैंने क्रॉफर्ड मार्केट से 2 सेब खरीद कर खाए, एक भिखारी को 2 आने दिए, वहां से चलता बोरी बंदर आ गया। लेकिन जेब में रुपए थे और अभी घर जाने को जी न था, इसलिए बोरी बंदर से हॉर्नबी रोड पर हो गया। हॉर्नबी की दुकानें मुझे बहुत पसंद है, खास तौर पर उनके नुमाइशी दरीचे में जो आईने लगे हुए हैं और जो नियॉन की रोशनियां और कदे आदम कांच की बड़ी बड़ी शफाफ सिलों के पीछे कैसी कैसी खूबसूरत चीजें पड़ी हुई हैं। खूबसूरत टाइयां, मोजे, जुराब, पतलून, मफलर, जूते, हर हफ्ते इन दरीचों के अंदर की खूबसूरत चीजें बदल जाती हैं और पुराने डिजाइनों के बजाय नए डिजाइन आ जाते हैं। शाम को घर जाने से पहले मैं अक्सर हॉर्नबी रोड की नुमाइशी दरीचे देख कर आता हूं। जेब में पैसे हो या न हो इससे कोई गरज नहीं, मैं अक्सर अपना काम खत्म करके बोरी बंदर जाने के लिए हॉर्नबी रोड से गुजरता हूं और एक दरीचे से नाक रगड़कर अंदर की खूबसूरत चीजें देखा करता हूं। इससे मुझे इतना लुत्फ हासिल होता है जितना बचपन में नए खिलौने देखकर होता था। मैंने जेब में हाथ डालकर नए नए करारे नोटों को थपथपाया और बड़ी शान से एवान एंड फ्रींजर के नमाइची दरीचों के सामने जाकर खड़ा हो गया। आह, किस कदर खूबसूरत कमीज थी, बादामी रंग की। बादामी रंग की साफ शफाफ कमीज पर नीली सुर्ख धारियां, मेरा तो जी मचल गया। मैंने अपनी कमीज के फटे हुए कॉलर को सहलाया। इस नीले और सुर्ख रंग की धारीदार कमीज को पहनकर मैं कैसा दिखाई दूंगा, मैंने तखयल में अपने आप को कमीज पहनकर कदे आदम आईने के सामने देखा। वाह, क्या ठाट थे, और कमीज के दाम थे सिर्फ 30 रुपए। इसके तिगुने रुपए उस वक्त मेरी जेब में थे, मैं कमीज खरीद सकता था, मगर कुछ और बेहतर देखने की खातिर आगे चला गया। अगले दरीचे में खूबसूरत साबुन थे, झाग वाले स्पंज और तौलिये, जिन्हें देखकर खुद ब खुद नहाने की ख्वाहिश पैदा होती थी। मैं ये सब खरीद सकता था। इससे अगले दरीचों में मर्दों के लिए शबख्वानी के गाउन थे, भड़कीले रेशमी मुनक्कश गाउन, जिन्हें पहनकर वार्निश वाला भी मिस्र का पाशा मालूम हो। 70 रुपए का गाउन, पर इससे ज्यादा रकम मेरे पास थी। मैंने इस गाउन को अपने तखयल में पहना और एक ईरानी गालीचे पर उड़ता हुआ दूर चला गया। हवा साफ थी, मेरे नीचे खूबसूरत बागों वाली जमीन घूम रही थी और हरी हरी दोआब में एक छरहरी नाजुक इंदाम नदी एक पहाड़ी हसीना की तरह धूप सेक रही थी। मैंने इस गालीचे को इस नदी के किनारे उतरने का हुक्म दिया। गालीचा नदी के किनारे उतर गया और खुद ब खुद कहीं से एक सुराही आ गई और एक मरमरी हाथ, 2 आंखें और एक हसीन चेहरा। फिर मुझे किसी ने टोक कर कहा, आगे बढ़ो, अब किसी और को भी देखने दो, आधे घंटे से यहीं खड़ा है, न लेना न देना। मैंने मुस्कुराकर एवान एंड फ्रिंजर के वर्दी पोश गुलाम की तरफ देखा जो मुझे डांट रहा था, और मैं आगे चल दिया। बेचारे को क्या मालूम था कि मेरे पास एक उड़ने वाला ईरानी गलीचा है और जेब में 70 रुपए से भी ज्यादा की रकम। मैं इस वक्त अंदर जाके इस गाउन को खरीद सकता था, मगर मेरा जी नहीं माना। हॉर्नबी रोड पर इससे बेहतर भी कोई चीज होगी, सोचकर मैं आगे चल दिया कि देखा जाए। इस वर्दी पोश गुलाम को तो किसी वक्त भी शिकस्त दी जा सकती है। आगे चलता चलता बहुत सी दुकानें देखता भालता मैं जगदम्बा लाल पायल की दुकान पर पहुंचा। यहां नुमाइशी दरीशे में कैमरे पड़े हुए थे जिन्हें मैं खरीद सकता था। कैमरे खरीद के मैं इन फर्नीचरों की तस्वीरें ले सकता था जो पुराने थे। मैंने सोचा ये कैमरा लेकर मैं इसहाक के पास जाऊं और उससे कहूं, चल आज तेरी और तेरी महबूबा की इकट्ठी तस्वीरें लेंगे। मैंने अपना ईरानी गालीचा मंगवाया और कैमरा हाथ में लेकर सारे जहान के खूबसूरत मनाजिर की तस्वीरें उतारने लगा। कैमरे के साथ जादू बैन पड़ी थी जिसे देखने से तस्वीरें बिल्कुल अपनी गहराई के साथ नजर आती थी, यानी जैसे आदमी बिल्कुल आपके सामने चल फिर रहे हों। तस्वीर अपनी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के साथ इतनी अच्छी तरह दिखाई देती कि सिनेमा में भी इतनी अच्छी मालूम नहीं होती।
इस जादू बहन को देखकर मेरा दिल खुशी से कांपने लगा और मैं दुकान के अंदर दाखिल हो गया। काउंटर पर मैंने एक नौजवान से पूछा, ये जादू बहन कितने की है? 35.5 रुपए। नौजवान बड़ी खूबसूरत कमीज पहने था, उसके बाल घुंघराले थे और पीछे को घूमे हुए थे, रोशनी में नए फर्नीचर के वार्निश की तरह चमकते हुए। उसके होठों पर भी जवानी की वार्निश थी, उसके लबों पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ चेक लिखते वक्त पैदा होती है। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो अभी अभी दुकान में दाखिल हुई थी, और वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। और एक मैले मैले चेहरे वाला ना आसूदा गुजराती जो गालिबन उसका असिस्टेंट था मेरी तरफ आ गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे का वार्निश जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा, मुझे जादूबेन दिखाओ। उसने जादूबेन में एक मुदव्वर फीता रखकर मेरे हाथ में थमा दिया और मुझसे कहा, इसे घुमाते जाओ, यूं स्विच दबाकर नई नई तस्वीरें तुम्हारे सामने आती जाएंगी। मैंने बटन ऑन किया। टार्जन हाथी पर सवार होकर सामने से चला आ रहा था। मैंने बटन दबा दिया। टार्जन आबशार में छलांग लगा रहा था। नीचे मगरमच्छ कितने खौफनाक मालूम हो रहे थे। मैंने बटन दबा दिया। फूलों के गजरे, फूलों के हार और फूलों के लहंगे पहने हुए हवाई जजीरे की लड़कियां नाच रही थीं। मैंने बटन दबा दिया। साहिल की रेत पर शराब, फल, बिस्कुट और खाने की चीजें एक शफाफ तश्तरी में पड़ी थीं, और एक औरत रेत पर आंखें बंद किए बैठी थी। उसका मुंह मेरे इस कदर करीब था कि मैंने जल्दी से बटन दबा दिया। ईरानी गलीचा जमीन पर आ गया। मैंने गुजराती खारिज ज़दा क्लर्क से कहा, यह जादूबेन तो बहुत अच्छी है, मेरे बचपन की जादूबेन से 1000 दर्जे बेहतर, कितने में दोगे? वो मुस्कुराए बगैर बोला, 35.5 की आती है, मुद्दो रंगीन तस्वीरों वाले फतीले 1 दर्जन उसके साथ लेने पड़ेंगे, 10 रुपए के होंगे, सेल्स टैक्स उसके अलावा 50 के ऊपर रकम हो जाएगी। मैंने जेब में हाथ डालकर 10-10 के नए करकरारे नोट थपथपाए। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल सच है ये, कि इससे पहले मेरे दिल में जादूबेन के सिवा और कोई तस्वीर न थी, लेकिन नोटों को हाथ लगाने से एकदम मुझे थचका लगा और बहुत सी तस्वीरें बटन दबाए बगैर मेरे सामने घूम गई। एक बच्चा फटी हुई कमीज पहने गली के फर्श पर बैठा रो रहा था। मैंने पहचाना, मेरा बच्चा है। एक औरत की शलवार का पैंचा दूसरे पैंचे से ऊंचा है। उसकी ओढ़नी में से सर के उलझे हुए बाल बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। मैं समझ गया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। उसकी सूरत हर लम्हा बदलती है, उसका गुस्सा हर लम्हा बढ़ता है। कभी ये मालिक मकान का मैनेजर बन जाता है, कभी दूध वाले सेठ का नौकर, कभी बिजली वाली कंपनी का ओहदेदार, कभी पानी वाले दफ्तर का। मैंने बटन दबा दिया। अब मेरे सामने घर के फर्श पर एक खाली तश्तरी पड़ी थी जिस पर एक गिलास औंधा था। नोट मेरी जेब से बाहर निकले और फिर हाथ वहीं रह गए। खूबसूरत क्लर्क खूबसूरत लड़की को कैमरा बेचकर काउंटर पर वापस आ गया। मैं जल्दी से घूमकर दुकान से बाहर जाने लगा। बाहर जाते जाते मैं जानता था कि वो क्लर्क अपनी बेहतरीन वार्निश शुदा मुस्कुराहट, मेरे फटे हुए कॉलर को देखते हुए, मेरी खाकी पतलून को देखते हुए जिसकी पीठ में 2 जगह टुकड़े सिले हुए थे, मुस्कुरा रहा था। मुझे मालूम था कि वो मुझ पर हंस रहा था। मैंने अच्छी तरह दांत पीस लिए, अच्छी तरह जेब में हाथ डालकर नोटों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया और नुमाइशी दरीचों से निगाह उठाकर सीधा बोरी बंदर की तरफ चलने लगा। चलते चलते मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे शदीद धोखा किया, किसी ने मुझसे 100 रुपए देकर 200 छीन लिए, इसके साथ ही मेरा ईरानी गालीचा और जादूबेन भी छीन ली। किसी ने जोर से मेरे मुंह पर चपत मारी, किसी ने मेरे हर नोट पे लिख दिया कि ये नोट तुम्हारे लिए नहीं। मेरे कदम भारी होते गए और मैंने महसूस किया कि मेरी मेहनत का हर नोट उदासी की एक लंबी जंजीर है जिसे मैं खुद अपने हाथों से खींच रहा हूं। बोरी बंदर पहुंचकर यकायक मैंने फैसला किया कि मैं आज गाड़ी से अपने घर वापस नहीं जा सकता, आज पैदल ही बोरी बंदर से साइन जाऊंगा। बहुत रात गए जब मैं थका मांदा अपने घर लौटा। मेरी बीवी मुतफक्किर थी और मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने नोट देखे तो वो खुश हो गई, इसलिए वो मेरी उदासी का मतलब न समझ सकी। बोली, ये क्या बात है, तुम आज खुश होने के बजाय उदास हो। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, जाने मन,
आज मुझे पता चला है कि ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जो बच्चों की तरह मुस्कुरा सके। वो बोली, मैं नहीं समझी कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा, जाने मन मैं कह रहा हूं कि अब पुराने फर्नीचर पर वार्निश करने से काम नहीं चलेगा, अब नया फर्नीचर लाना होगा।